नमस्कार, कैसेक्रेडिट.कॉम में आप सभी का स्वागत है। और आज जब हम लोग बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में, जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे पेटीएम के बारे में कि कैसे जो है वो आप अपने मोबाइल के पेटीएम को जो है वो ई केवाईसी जो है वो कर सकते हैं या फिर केवाईसी जो है वो कर सकते हैं। केवाईसी से मतलब है कि आप जो है वो नो योर कस्टमर, केवाईसी की फुल फॉर्म जो ये होती है। और ऐसे में जो वो हम लोग बताना चाहते हैं या फिर जो वो पेटीएम वाले हमसे पूछना चाहते हैं कि आप रियल में जो वो कोई पर्सन हो या नहीं, और अगर हो तो आप जो वो ये प्रूव कीजिए कि आप एक ही अकाउंट का जो वो प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में जो आपको ई केवाईसी करना इसलिए जरूरी है ताकि आप जो वो पूरे फीचर्स को जो वो यूज कर पाए, पैसे को कहीं भेजना हो, आपको जो वो कोई लेन देन खास जो वो करने हो, तो ऐसे के लिए जो आपको जरूरी है कि आपका पेटीएम का ई केवाईसी जो वो आप कर लें। लेकिन आपको बता दें, आप जो इस वीडियो के तरीके से जो वो केवाईसी तो कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आप उसी पर्सनल मोबाइल नंबर को ई केवाईसी कीजिएगा जिसका जो वो आप हमेशा यूज करते हैं, किसी और अदर मोबाइल नंबर पे जो वो आप ई केवाईसी मत कीजिए। क्योंकि उम्मीद यहाँ पर ये है कि आप एक डॉक्यूमेंट के जरिए जो है वो या फिर एक आधार कार्ड का जो नंबर है उसके जरिए सिर्फ एक बार ही जो है वो ई केवाईसी कर सकते हैं। तो ऐसे में जो है इसका ध्यान रखिएगा। सबसे पहले वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा करके घंटी को दबा लीजिए अगर सब्सक्राइबर नहीं है, और वीडियो को अंत तक जो है वो देख लीजिए और सीख लीजिए पेटीएम का केवाईसी जो है वो कैसे करें। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ खास और बड़ा नहीं करना। आपको यहाँ पर बिल्कुल स्क्रीन में दिखने वाला है, आपको जो वो बताने वाले हैं कि कैसे जो वो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जो वो ओपन करना होगा अपना पेटीएम ऐप, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाया। जैसे जो वो आपका पेटीएम ऐप ओपन होता है, वहां पर जो आपको राइट हैंड साइड में आपको जो वो ऑप्शन मिलता है, एक चश्मा लगाए हुए स्पेक्स लगाए हुए जो वो आपको गोल ढक्कन जैसा कुछ मिलेगा, गोल जो वो आपको आइकन मिलेगा प्रोफाइल का, आप जो इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप उसके ऊपर जो वो क्लिक करते हैं, आपके सामने जो कुछ आपका QR कोड दिखाया जाता है, आपका नाम वगैरह दिखाया जाता है, वहां पर जो दिखाया जाता है आपको गेट योर KYC डन। तो यहाँ पर जो आपको इसके ऊपर जो क्लिक कर लेना है गेट योर KYC डन के ऊपर, तो वहां पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको बताया जाता है कि आपको 200 रुपए तक का कैशबैक जो मिलने वाला है KYC जो आप कर लीजिए, और वहां पर जो आपका पेमेंट बैंक भी जो वो क्रिएट होने वाला है। तो यहाँ पर जैसा आपको बिल्कुल स्क्रीन पे हमने दिखाया, यहाँ पर जो आपसे पूछा जाता है आपके आधार कार्ड नंबर के बारे में, तो आप जो वो नंबर डाल दीजिए जो आधार कार्ड आपका नंबर हो, उसके बाद जो भी आपका नाम है उस अकाउंट के अंदर वो जो डाल दीजिए। उसके बाद जो आपको क्लिक करना है, यहाँ पर जो एक टिक का बटन दिया गया है आई एग्री के सामने, तो इसको जब आप टिक कर लीजिए और उसके बाद क्लिक कर देना है आपको प्रोसीड के ऊपर। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही जब आप केवाईसी के ऊपर जो क्लिक करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आप किस लोकेशन पे जाकर के जो केवाईसी सेंटर के जरिए जो आप इसको प्रूव करना चाहते हैं या फिर जो अपना केवाईसी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो आपको क्लिक कर देना है ओके पर। और वहां पर जो आपको किसी भी नजदीकी स्टोर पे जो भी आपको स्टोर्स की जो संख्या दिखाई जाएगी, काफी सारे स्टोर्स आपको दिखाए जाएंगे, आपको जो उन स्टोर्स के ऊपर जाना है और वहां पर जाकर के आप आसानी से जो उनको कॉल भी कर सकते हैं। आपको कॉल नंबर भी जो दिखाया जाने वाला है, वहां पर जाकर के आप अपना अंगूठा लगाते हुए ई केवाईसी जो कर सकते हैं, और उसके बाद जो आपको किसी भी तरह की सर्विस को यूज करने में कोई प्रॉब्लम जो नहीं होने वाली है। तो उम्मीद है ऐसे में जो आप जान पाए होंगे कि कैसे जो आप पेटीएम का ई केवाईसी या फिर केवाईसी जो कर सकते हैं, उसके बाद जो यूज कर सकते हैं सर्विसेज को अच्छे से। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, और नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन मिलेगा वीडियो के नीचे, उससे जो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए आने वाले समय में इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए। साथ के साथ शेयर बटन से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जो आसानी से ई केवाईसी जो कर पाए अपने पेटीएम वॉलेट का। तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक डिसलाइक जो आप कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए कैसे करें।